Welcome to Upstream Amazon Private Label Training. The course is designed by Saqib Siddiqui, a Canadian mentor and earliest e-commerce pioneer since 1999. His 23 years of experience helped many failing businesses to make profits. Let's take a look at what he's going to teach us in the course. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, आज हमारा सेशन है रिगार्डिंग प्रोडक्ट हंटिंग, और प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रूमर्स अवेलेबल हैं कि जी किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग होनी चाहिए, बेहतर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे हो सकती है, हीलियम के थ्रू होगी, जंगल स्काउट्स के थ्रू होगी, या वायरल लॉन्च के थ्रू हम सर्च वॉल्यूम देख रहे हैं, और ये दूसरी टूल्स को यूज़ करते हुए सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट हम सेल्स भी चेक करते हैं, तो क्या ये मेथड बिल्कुल ठीक है या इस मेथड में कहाँ कहाँ फ्लॉज आ रहे हैं, और राइट मेथड क्या है प्रोडक्ट हंटिंग का? जैसा कि हमने एक वीडियो भी क्रिएट की थी कि व्हाई वी फेल इन अमेज़न बिजनेस, और उसमें हमने बताया था कि क्यों बिजनेसेस फेल होते हैं, उसकी बेसिक रीज़न क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग की बेस ही गलत होती है। ये टूल्स जो हैं, हीलियम, जंगल स्काउट, ये बेसिकली थर्ड पार्टी टूल्स हैं जो कि बिल्कुल अमेज़ॉन से डाटा कलेक्ट ऐसे नहीं कर रहे कि अमेज़ॉन इनको डाटा दे रहा हो, ये आउटसाइड डाटा कलेक्ट करते हैं और उनके थ्रू अपने एक अजम्पशंस क्रिएट करते हुए एक डाटा को सेलर्स को प्रोवाइड कर देते हैं कि इसकी इतनी सर्च वॉल्यूम हो सकती है, इसका इतना सेल्स हो सकता है, और उसकी बेसिस के ऊपर एक सेलर जो है अपनी प्रोडक्ट फाइनल करके लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हमारे साथ सालेहा भी अवेलेबल हैं जो कि हमें प्रोडक्ट हंटिंग के इन डेप्थ चीज़ों के बारे में भी बताएंगे कि रियल वे में प्रोडक्ट को हंट कैसे किया जा सकता है, और कौन से ऐसे लेजिट मेथड्स हैं जिससे अमेज़न के एल्गोरिथम को समझते हुए हम राइट प्रोडक्ट को चूज कर सकें। वेलकम सालेहा। थैंक यू सो मच एहतिशाम फॉर वेलकमिंग मी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सालेहा जुमानी। आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रिगार्डिंग प्रोडक्ट हंटिंग। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे कितना भी अच्छा अमेज़ॉन सेलर हो या फिर आप अगर आपका जो ब्रांड बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, इधर हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। इवन अस हु हैव बीन सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फॉर 2 ईयर्स, हम लोग यहाँ पे भी आके कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, व्हाट इज़ द राइट प्रोडक्ट, और सेल क्या करना है। जो हमारी पूरी बेस है अपस्ट्रीम में, जिसपे मोस्टली डिस्कशन होती है, द होल प्रोडक्ट रिसर्च और आपका पीपीसी, ये दो आपकी बैकबोन्स हैं यहाँ पे। रिसर्च के अंदर आपका हंटिंग, डेवलपमेंट, सोर्सिंग, ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो आज इसका एक छोटा सा एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, वो है प्रोडक्ट हंटिंग, जहाँ से हमारी पूरी बेस शुरू हो रही है कि आखिर बेचना क्या है। इन द पास्ट ट्रेनिंग्स दैट वी हैव लर्नड इन पाकिस्तान और काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को भी देखते हुए, हमने जो टूल्स की मदद से एक ट्रेनिंग की है विदाउट अंडरस्टैंडिंग अ फ्यू थिंग्स दैट डिफाई अवर लॉजिक, उन पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने अपने हंटिंग के क्राइटेरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सर्च वॉल्यूम पे, ब्रांड डोमिनेंसी पे कि यहाँ पे डोमिनेंट है कि नहीं है, कीवर्ड की रेंज क्या है, कीवर्ड के कितने और इसके एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं, 3-4 more keywords डू यू हैव और यू डोंट हैव, ठीक है। उसके अलावा ऐसा ब्रांड तो नहीं है कि जिसके 7-8 ASINs हो, क्या अमेज़ॉन सेलर डोमिनेंट तो नहीं है, ठीक है। हमने इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को स्टॉप कर दिया है कि अगर ये नहीं होगा या फिर ऐसा रिव्यूअर है, ऐसी कैटेगरी है जिसमें 800+ एवरेज रेटिंग्स हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। लेट मी टेल यू समथिंग, आई सेल इन अ कैटेगरी जहाँ पे एवरेज रिव्यूज आर ओवर 3000 एक एक सेलर के, अल्हम्दुलिल्लाह वी डूइंग गुड। सो कहने का मकसद ये है कि जब आप रियलिस्टिकली उस प्लेटफॉर्म में आते हो या आप जब ऑन ग्राउंड उतरते हो, रियलिटी कुछ और होती है, ऑन पेपर कुछ और होती है, जिनको हम देख के एक प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यू कंपनीज जिनको हम ऐसा ऐसा देखेंगे जिनके 50-50, 60-60 हज़ार रिव्यूज हैं, और आप उस कैटेगरी में भी इंक्लूड हो सकते हैं, उस कैटेगरी में भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट यू ऑफ कोर्स नीड मोर मार्केटिंग, मोर यू नो मनी टू इन्वेस्ट इन दोज बिजनेस। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली पहले कि हम प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, अपना एक माइंडसेट बनाना ज़रूरी है, ठीक है। वो जब आप माइंडसेट बना लेंगे ना, आप अपना
पर्सनल गोल बिजनेस के साथ अलाइन करेंगे कि मुझे ये करना क्यों है, देन यू कैन स्लोली एंड ग्रेजुअली टेक इन टू द प्रोग्रेस के व्हाट एग्जैक्टली एम आई लुकिंग फॉर. सो प्रोडक्ट हंटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक माइंडसेट यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं. अपने आप से कुछ सवाल पूछें बिफोर यू स्टार्ट हंटिंग अ प्रोडक्ट. इज द प्रोडक्ट दैट यू आर हंटिंग प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम? जिस तरह से एहतिशाम साहब हैं और मैं हूँ, हमने जो प्रोडक्ट्स चूज की हैं अपनी कैटेगरी के लिए वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं. दे आर नॉट लग्जरी, दे आर बेसिक नीड्स फॉर अ प्रोडक्ट. ठीक है, जिनकी रिपीट परचेजिंग भी है, वो कुछ लोगों के लिए वांट है, कुछ लोग जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिन जो उन पे सर्वाइव करते हैं वो उनके लिए नीड है. सीजनल नहीं है, उनका इमोशनल कंडक्ट है कि नहीं है, हेल्थ सेंसिटिव है कि नहीं है, इन चीज़ों पे बारी बारी डिस्कस करते हैं. तो पहले आ जाते हैं, इज योर प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल बेंटगो. बेंटगो एक ऐसी कंपनी है जिसने स्टार्ट किए किड्स लंच बॉक्सेस. सो पीपल हु आर इन UK, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, ये जो कोल्ड रीजन्स है जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ मोस्टली होता ये है कि जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनके साथ वन एवर वी सेंड आर लंच बॉक्सेस, तो उनका लंच कुछ टाइम के बाद ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे ट्रेंड है बच्चों के साथ आप सूप, नूडल्स या इस तरह की चीज़ें भेजने का. सो फॉर एग्जाम्पल बेंटगो कंपनी ने क्या स्टार्ट किया कि लेट्स मेक अ लंच बॉक्स जिसमें इंसुलेशन हो. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे, जैसे कि कुछ मेटल के हैं इधर, ठीक है, कुछ इधर हैं जिसमें आप कंपार्टमेंट्स देखेंगे. सो इफ अ चाइल्ड वाज कैरिंग समथिंग दैट नीड्स टू बी हॉट, तो उसके लिए एक सेपरेट कंपार्टमेंट बनाया जाएगा. इफ अ चाइल्ड इज कैरिंग फ्रोजन फ्रूट्स, ठीक है, प्रेटजल्स, वेजिटेबल्स, इसके लिए एक डिफरेंट कंपार्टमेंट बनाया जाएगा. ठीक है, सो कीपिंग इन माइंड द प्रॉब्लम दैट पीपल वर फेसिंग वाज के जो लिक्विड्स हैं वो सॉलिड से सेपरेट नहीं हो रहे थे. ठीक है, इस तरह की चीज. अब फॉर एग्जांपल जब आपके पास ये चीज नहीं होती, यू डोंट रियलाइज अंटिल देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी सी ऑनलाइन एंड वी से यार ये तो मुझे जरूरत है, ये तो मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ हैंगर्स, हमने ऐसी भी हैंगर्स देखी हैं, दराज पे देखी हैं, अपने पास देखी हैं, जिसमें एक के अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होते हैं. यू डोंट रियलाइज द नीड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स अंटिल यू सी देम. तो ये आपकी स्पेस की प्रॉब्लम्स को, आपके स्टोरेज के प्रॉब्लम्स को, इन सब चीज़ों को स्लोली एंड ग्रेजुअली रिजॉल्व करती है. ठीक है, तो इन कंपनीज ने क्या किया, लोगों की इन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया. हमारे पास मार्केट में ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी सॉल्यूशंस नहीं होती. So if you find out a solution for something like that, you have a good to go in the market. आप उस product को develop करा के patent करा सकते हैं. Basically आपका कहना ये है कि first we need to find out the problem. क्या problem है? जी बिल्कुल. Problem क्या? If we have the solution, we can have a product. बिल्कुल. अभी इसी तरह से past few years में ऐसी बिल्कुल नई नई categories evolve हुई हैं, जिसका पहले कोई जो लोग पहले देखते ही नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल अब जैसे जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, एयर फ्रायर्स का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन हो गया है. इफ यू लुक इन द पास्ट, एयर फ्रायर वॉज नॉट समथिंग कॉमन. अब अगर आपने एयर फ्रायर इंट्रोड्यूस किया है तो ये चीज नहीं आ गई मार्केट में, लोग एयर फ्रायर्स खरीद रहे हैं. अब एयर फ्रायर्स के साथ लोग लाइनर्स भी बेचना शुरू कर रहे हैं. पीपल हु जो लोग पहले एल्यूमिनियम के इस चीज के बेकिंग के लिए लाइनर्स लेते थे, कपकेक्स के लिए लाइनर्स लेते थे, और हमारे पास पाकिस्तान से बहुत सेलर्स हैं जो कि पेपर मार्केट से UK, USA यहाँ से कपकेक लाइनर्स और कपकेक बॉक्सेस वगैरह सेल करते हैं. एंड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस हैव सक्सीडेड, अ लॉट ऑफ बिजनेसेस हैव फेल्ड राइट इन फ्रंट ऑफ मी. जो अकाउंट्स हमने खुद देखे हैं, क्यों? क्योंकि क्रिसमस का टाइम आता है और हमने देखा है कि उनकी जो PPC पर क्लिक्स हैं वो 8-8, 9-9 पाउंड्स तक भी चली गई. सो आप ये चीजें तब देखते हो जब आप ऑन ग्राउंड आपने उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं. अब यहाँ पे जैसे एहतिशाम हम थोड़ी देर पहले जब ये प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको यही कह रही थी कि इस चीज का पहले तसव्वुर नहीं था. पार्चमेंट पेपर्स आते थे, बेकिंग के लिए लाइनर्स आते थे, लेकिन कभी भी एयर फ्रायर्स के लिए नहीं आते. सो ये एक न्यू कैटेगरी है. तो हर प्रॉब्लम के साथ अब एयर फ्रायर आपका खराब हो जाएगा, उसके साथ आपने एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस की एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग. सही है. फिर
इन प्रोडक्ट्स के साथ आपका जो दूसरा रिलेशन है वो है रिपीट बाइंग का. क्या आपकी प्रोडक्ट रिपीट बाइंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं है? प्लीज कीप इन माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट दैट हैज रिपीट बाइंग, यहाँ पे आप हाई जो है ना इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करते हैं, बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स रिक्वायर मैसिव वॉल्यूम्स. अब अगर एक आपकी जो रिपीट साइकिल है वो लेट्स से 30 डेज की है, आप यहाँ से ग्रीन टीज बेच रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान से आपने कुछ सेल किया, या असाई असाई बाउल है, एक पाउडर आता है प्रोटीन पाउडर की तरह आता है, उसके लिए आप पाउडर सेल करें, आप माचा पाउडर, मोरिंगा पाउडर, इस तरह की कोई प्रोडक्ट सेल करें, एंड यू नो दैट इफ अ कस्टमर स्टक विथ यू, दे आर गोइंग टू बाय द सेम प्रोडक्ट आफ्टर 30 to 40 days, तो आपकी अब आपको अपनी इन्वेंट्री अगर सब्सक्राइबिंग सेम मॉडल पे है उस हिसाब से रिप्लेनिश करनी है. सो वी लुकिंग एट हाई वॉल्यूम्स, ठीक है. तो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट में हाथ डाल रहे हैं जहाँ पे रिपीट बाइंग है, तो आप अपने क्लाइंट का या अपना बजट भी जरूर देखेंगे उसमें कि क्या बजट अलाउ करता है इस तरह की चीज या नहीं अलाउ करता. इज योर प्रोडक्ट वांट और अ नीड? यू नीड टू लुक एट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ योर कंट्री जहाँ पे आप कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, करंटली वी आर गोइंग थ्रू अ ग्लोबल रिसेशन, जितनी भी वांट्स हैं बहुत सारी, उसकी उसकी जो सर्च वॉल्यूम्स है, उसकी जो बाइंग पावर है, वो बहुत डिटोरिएट हो गई है एज कम्पेयर टू नीड. वहाँ पे फिर भी बंदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. जैसे हमने ग्रीन टीज की बात की, इन तरह के प्रोडक्ट्स की बात की, इन नीड्स पे बंदा कम कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है, एज कम्पेयर के वो चीज जिसको अगर आपको इतनी जरूरत है ही नहीं, वो ले गई नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ बेबी, आपके घर में नया बच्चा पैदा हो रहा है, अब उसके लिए कोई डेकोरेटिव आइटम खरीदने से पहले आप सोचेंगे कि मैं इसके लिए क्रिब ले लूं, बैसिनेट ले लूं, ठीक है, इस तरह की चीजें ले लूं. सो उस चीज में आप क्या करेंगे, इन दोनों चीजों के बीच में कंपेयर करेंगे व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय. तो वो जो बाइंग बिहेवियर है या पोस्ट बाइंग बिहेवियर है, यहाँ पे कस्टमर का जरूर असरअंदाज होता है. क्या ये चीज टेम्पररी ट्रेंड है? हमारे पास अभी 6-7 months है. एहतिशाम, आपने भी देखा था किस तरह से जो पॉपिट टॉय था उसका एक ट्रेंड बन गया था. एवरीबडी ऑन अमेज़न वाज स्टार्टिंग टू सेल दैट प्रोडक्ट. एंड व्हाट अबाउट दोस पीपल हु इन्वेस्टेड मैसिवली इन दीस प्रोडक्ट्स? अब जो जिनके पास हुला हूप था, एक हुला हूप था, जी बिल्कुल, हुला हूप का एक ट्रेंड था जिसको बहुत बुरी तरह से जिन जिन लोगों ने इसमें $60,000-70,000 भी किए थे, उनकी बहुत बुरी तरह से लॉस हुआ है. क्या आपके प्रोडक्ट में कोई कल्चर इन्वॉल्व्ड है? ठीक है, लेट्स से यू स्टार्टेड अ प्रोडक्ट जैसे कि ग्रीन कलर की, कोई आपने डेकोरेटिव आइटम स्टार्ट किया है, ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम देखा आपने, एंड इट्स इन अ कलर ग्रीन, जो एक स्पेसिफिक कलर ग्रीन होता है, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन सेंट पैट्रिक्स डे, ठीक है, और आपके आपने देखा अचानक से आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेंट पैट्रिक्स डे के टाइम पे सेल बहुत ज्यादा हो गई, और कुछ टाइम बाद फिर वो नीचे आ गई. तो आपको ये भी देखनी चीजें हैं कि क्या मेरी प्रोडक्ट की कल्चर के साथ तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है. सुशी किट्स हो गई, जैसे बहुत कंपनीज को देखा है सुशी किट सेल करते हुए, यहाँ से सुशी का कल्चर से इन्वॉल्वमेंट है क्या? मैं इस कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं दिखा रहा जिसका एक कल्चर से बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है. फॉर एग्जाम्पल, देर आर प्रोडक्ट्स सच एज ब्लैक सोप्स, ठीक है, वो ब्लैक सोप्स जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जबकि उनकी कंप्लीट टारगेट ऑडियंस जो है, जिस यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ, वो उनकी ब्लैक कम्युनिटी है, अफ्रीकन कम्युनिटी है. तो क्या मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं देख रही जिनकी ऑडियंस ही सिर्फ बहुत लिमिटेड है? क्या हम ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं देख रहे, फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस लाइट्स हो गई, ठीक है, या फिर थैंक्सगिविंग के लिए कोई गिफ्ट हो गया, इस तरह की कोई चीजें हो गई, ठीक है, या फिर जैसे हमने कपकेक लाइनर्स की, कपकेक लाइनर्स विल बी सेलिंग ऑल ईयर राउंड, लेकिन आपकी सेल बूस्ट कर जाएगी इन दी मंथ, इन दी फोर्थ क्वार्टर. क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसका कोई इमोशनल टच है? I'll show you a product here, जिसपे एहतिशाम याद है हमने कुछ टाइम पहले इस पे एक डिस्कशन की थी. जी जी जी. अच्छा, मेमोरी एलिमेंट आ रहा है इसके. जी बिल्कुल, इसके अंदर इमोशनल अपील आ रही है. इमोशनल अपील वहां पे आती है जहाँ पे आपके डिफरेंट टच पॉइंट्स हो रहे हैं, जैसे कि बेबी बाथ टॉवल्स है, उसपे दे मेक श्योर दैट दे डू समथिंग वेरी क्यूट विद दैट. यहाँ पे पेट्स की प्रोडक्ट्स आती हैं, पेट्स की प्रोडक्ट के साथ आपका एक इमोशनल टच होता है, क्योंकि वो जो यूजेज है उसका आपके साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप है. सिमिलरली, जैसे कि हम यहाँ पे एक छोटी सी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, मेमोरियल विंडचाइम.
दिस प्रोडक्ट इज सोल्ड प्रिटी एक्सपेंसिव. अब ये जो कि वुडन साइक हमारे पास जो नॉर्मल सी विंड चाइम्स होती है वैसे एक्सक्लूसिव बॉक्स में है, आपको ऐसी प्रोडक्ट्स में 45 से लेके 50% प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेगा. बहुत सिमिलैरिटी है जितनी भी आपको स्क्रीन पे प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, लेकिन इनकी जो पीपीसी कॉस्ट होगी, इनकी जो प्रोडक्ट्स की आपको जितनी स्पीड से उसको सेल करना होगा, इसका सेल थ्रू रेट इतना अच्छा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये दिस इज अ वन टाइम थिंग, इसमें रिपीट परचेजिंग नहीं है. दिस इज ओनली बॉट ऑन अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ डिमाइस और वेयर देयर इज अ फ्यूनरल और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो हमें ये भी तो चीजें देखनी है. सिर्फ एक बेसिक क्राइटेरिया, क्योंकि ये एक ऐसी आइडियल प्रोडक्ट है जो कि आपके 800 रेटिंग्स या 1000 रेटिंग्स होनी चाहिए, उस क्राइटेरिया में फिट होगी. ठीक है, दिस इज गोना फिट इन द क्राइटेरिया कि आपका एक छोटा सा बॉक्स है. ठीक है, हो सकता है आपका SNL में भी वो हो जाए, इनरोल हो जाए. ठीक है, तो वो जो एक टिपिकल क्राइटेरिया था ना, 50,000 जितना सर्च वॉल्यूम हो जाए, ये प्रोडक्ट उसमें फिट आती है. लेकिन अगर आप एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ रखें, Do you think this product is viable for a long-term process कि मैं इसमें से लाखों डॉलर कमा सकूं? या जब हम इस प्रोडक्ट में से एग्जिट करना चाहें तो इसमें एक्सपेंशन क्या है, इसमें ग्रोथ क्या है, what is my growth in this? ठीक है, डेमोग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है इस प्रोडक्ट के? तो बेसिकली प्रोडक्ट बुरा नहीं है, लेकिन क्या हम उस पीरियड के ऊपर इसको लॉन्च करना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं, या हम पूरे साल में कुछ इसके ऊपर अर्निंग करना चाह रहे हैं, हमने उसको माइंडसेट में डेवलप करके फिर चलना. बिल्कुल बिल्कुल. तो जो हमने ये स्टार्ट करने से पहले जो बात की थी कि आपका माइंडसेट क्या है, आपकी अप्रोच क्या है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, क्या वो लॉन्ग टर्म है या क्या वो शॉर्ट टर्म है. तो अगर शॉर्ट टर्म है तो गो फॉर, आपने 4-5 महीने सेंट पैट्रिक्स डे की तैयारी कर ली, फिर आपने लिस्टिंग क्लोज कर दी कुछ टाइम के लिए, फिर आपने जो है दिसंबर की Q4 की तैयारी कर ली, इस हिसाब से आपको अपनी अप्रोच लेके चलनी है सबसे पहली चीज. ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं इत्तेशाम, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया, सो फर्स्ट थिंग दैट वाज आस्क्ड इन अपस्ट्रीम कि हमारा गोल क्या है, एंड गोल क्या है, जैसे कि हमारी अपनी लॉन्च है, हम उसमें से क्या अचीव करना चाहते हैं. आर वी लुकिंग फॉर a kitchen income, are we looking for asset building in future, theek hai, ya fir hum expect kar rahe hain ki hum isme se quick rich hum ho jaye, theek hai, to hamara end goal kya hai, hum kis tarah ka business build kar rahe hain, hum aisa business build kar rahe hain ki humne ek do product nikal bana ke aur usme se hame foran 2-3 saal mein exit karna hai, theek hai. So the category, I work in home and kitchen, and what I am looking for is, let's talk about my end goal. I'm not looking for quick profit. ठीक है, मैं इसमें से देख रही हूँ कि आज अगर मैं इसमें से पैसे नहीं निकालूंगी, जितना प्रॉफिट मुझे मिलेगा, I'm going to invest back. 2-3 साल बाद मेरा ये ASIN जो है, sorry, मेरा जो ये ब्रांड है, वो at least मेरे पास 10 variations लेके खड़ा होगा. क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट में इतनी ज्यादा वायबिलिटी है कि हम इसको बिल्ड कर सकते हैं. क्या मैं इसको क्विक कैश फ्लो के लिए कर सकती हूँ? ठीक है, या मैं अपनी एक अच्छी एग्जिट प्लान कर रही हूँ. तो प्रोडक्ट बेचना और एक ब्रांड चलाना एक दो कंप्लीट डिफरेंट चीजें होंगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो है, ये एक प्रोडक्ट बेचना है. ठीक है, आपने देखा कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, आपने कपकेक बॉक्सेस वगैरह इस तरह के लाइनर्स जो इंट्रोड्यूस कर दिए, पार्चमेंट पेपर्स में आपने काम किया. ठीक है, फिर आप आ गए बेंड गो पे, लंच बॉक्सेस, ये एक ब्रांड चलाना है, 37,000 रेटिंग्स, 8,000 रेटिंग्स, इस तरह का जो रिजल्ट आता है ना, वो 1-2 साल में नहीं आता. यहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर फर्स्ट ईयर इज लॉस, योर सेकंड ईयर इज ब्रेक इवन, एंड योर थर्ड ईयर इज प्रॉफिट. सो पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दिस, और अगर आपको अभी के करंट मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए लगता है कि आप 1 साल में अमीर हो जाएंगे और आप मिलियनर हो जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. How is it possible that you have invested, let's say, $10,000 on a product and you're expecting somewhere around 35% profit margin? क्या आप उसमें से millionaire बन सकते हैं? नहीं. Maximum क्या कर सकते हैं? $15,000 profit कमाएंगे. आप ये वही सोचें ना कि 10,000 वाली investment में से हम double triple तो नहीं कर सकते ना. It's just like in regular other business. But of course, Amazon is a very big platform. It's a very big market. ठीक है, तो यहाँ पे chances of growth बहुत ज़्यादा हैं as compared to एक लोकल शॉप चलाना. राइट, ठीक है. अच्छा, तो इसमें एक माइंडसेट ये भी है कि
हम अगर 3 साल की स्ट्रेटेजी बना के प्राइवेट लेबल को लॉन्च करें और प्रोडक्ट की हंटिंग को इस हिसाब से लेकर चलें कि वी कैन हैव अ 3 ईयर स्ट्रेटेजी जिसमें हम पहले साल पहले ही माइंडसेट डेवलप कर लें कि दैट इज अ लॉस, सेकेंड ईयर हम ब्रेक इवन करें और थर्ड ईयर जो है वो हमारा प्रॉफिट में जाए. बट इट्स नॉट अ पेट. कुछ प्रोडक्ट्स में आपको फॉर एग्जाम्पल 6 महीने में ही आप प्रॉफिट्स में आना स्टार्ट कर जाते हैं, आप फिर ब्रेक इवन के फेज में चले जाते हैं, देन यू कैन हैव अ प्रॉफिट. बट अगर आपका एक माइंडसेट डेवलप हुआ होगा कि मुझे इस बिजनेस के अंदर कुछ इन्वेस्ट करना है एट स्टार्ट, अगर उसके अंदर कुछ लॉस हो रहा है एट स्टार्ट, तो आपने देखना है कि क्या आप प्रॉफिट की तरफ चले जाएंगे इन फ्यूचर या नेक्स्ट ईयर, या आप कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हैं मार्केट को कम्पीट करने के लिए, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं जो कस्टमर अट्रैक्ट होगा फ्यूचर में, कि आप अगर इसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं तो कस्टमर कैन बाय योर प्रोडक्ट इन द फ्यूचर. तो अगर तो ऐसी कोई प्रोडक्ट आपके पास है और आप उसको लॉन्च कर रहे हैं एक राइट स्ट्रेटेजी के थ्रू, तो दैट मीन्स कि आप अगर आज लॉस बियर कर रहे हैं तो कल आप प्रॉफिट की तरफ भी जा सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. अच्छा चले, हमने अगर यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका हमने एक माइंडसेट सेट कर दिया है, ठीक है. Right. अब आइडियाज कहाँ से आए, जिस चीज पे लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है. लेट मी टेल यू सम वेरी गुड एग्जांपल्स दैट वी वर इवन डिस्कसिंग इन द लास्ट टाइम अ स्टूडेंट आस्क्ड इन द क्लास दैट आई हैव अ क्लाइंट एंड दे आर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी इनोवेटिव इन टॉयज. तो उसमें मेरा जो आंसर था वो बहुत सिंपल था, उन्होंने कहा टॉयज में हम इनोवेशन कैसे लाएं हमें तो पता ही नहीं है. So when you are looking for ideas, what is your target audience? आपका interest किस तरफ है, आपका personal interest किस तरफ है. जैसे कि अच्छा आप किस category में sell करते हैं? Tools की category में. आप tools की category. मेरा basically मेरा interest tools के अंदर था. मैंने जहाँ जहाँ अपने previous history में काम किया, they are manufacturer of tools. कुछ कंस्ट्रक्टिव टूल्स बनाते थे, कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स के टूल्स बनाते थे, डिफरेंट किस्म के पार्ट्स थे. तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया, अच्छा ये टूल्स हैं, ये स्पेयर पार्ट्स हैं, ये किस तरह से बनते हैं, कैसे सेल होते हैं, कौन से कस्टमर्स इसको बाय करते हैं. तो आई स्टार्टेड हंटिंग द प्रोडक्ट्स इन दिस कैटेगरी. तो देन आई रियलाइज कि अच्छा इसमें ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि अमेजोन में सेल आउट हो रही हैं और कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, और ओके आई कैन सोर्स दिस प्रोडक्ट बेटर देन अदर people. Bilkul. So that's the point where it's click or alhamdulillah phir usne launch kiya. That's great. So isi tarah se agar hum product ko analyze kare ke work around kare ke what's our interest, phir us category ke andar find out kare kya product ho sakti hai, usko kahan se liya ja sakta hai, usme kaun se raw materials lag rahe hain aur hum kis mindset ke sath isko launch karna cha rahe hain, to agar hum is puri planning ko ek paper working mein lekar aaye aur डिसाइड कर लें, देन वी कैन मूव ऑन. तो इंशाल्लाह उस प्रोडक्ट के अंदर वो लॉन्च भी हमारी सक्सेसफुल होगी, प्रोडक्ट भी बेहतर होगी और ब्रांड भी बेटर होगा. आपका इंटरेस्ट बिल्कुल और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा. तो अगर आपको किसी भी हवाले से सर्विसेज चाहिए हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.